लगी हुई हैं, सरकार इनका चयन किया, लेकिन इनको ना तो कोई मानदेय दिया ना तो कोई वेतन दिया। एक मजदूर काम करता है तो उसके मजदूरी 350-400, अब तो 500 मजदूरी हो गई है, लेकिन उनके मजदूरी के बराबर भी हमारी आशा बहनों को मजदूरी नहीं मिलती है, केवल प्रोत्साहन मिलता है 2006 से। और काफ़ी हम लोग आंदोलन रहित हैं, अभी 29 अक्टूबर को 30 को हम लोग लखनऊ में धरना प्रदर्शन किए थे, उसमें मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव से हमारी वार्ता हुई थी, उन्होंने सीधे इनकार किया कि अगर आप लोग मानदेय या वेतन मांग रही हैं तो हमारी सरकार आपको वेतन मानदेय नहीं देगी, काम करना हो तो आप लोग करिए और नहीं तो हट जाइए, नए का चयन होगा। हमने उनको जवाब दिया कि अगर ऐसी बात है तो हमको आप हटा दीजिए, 2019 में हम देख लेंगे आपकी सरकार कैसे आती है। हमारी वार्ता उनसे हुई थी। अगर हमारी आशा वर्कर का ये मानदेय और वेतन की मांग को पूरा नहीं किए तो 2019 सब करीब आ गया है, पूरे ऑल इंडिया की, पूरे उत्तर प्रदेश की आशा बहने जो हैं सरकार को जवाब देंगी और सरकार को उतार के हम लोग तोड़ देंगे। जिले से जिला अध्यक्ष, मैं सरकार से यही, यहाँ पर हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं कि सरकार ने हमारा चयन तो कर दिया, आशा का चयन तो कर दिया, लेकिन आशा के भविष्य के बारे में नहीं सोचा। कैसे वो 1000 रुपये में अपने बाल बच्चों के यापन को चला सकती है, कैसे वो खा सकती है, कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकती है, जिससे एक मजदूर को भी उतना नहीं मिलता जितना हम लोगों को दिया जाता है। तो यह सरकार से हमारी यही विनती है, निवेदन समझें या जो चीज़ समझें, यही आवाज़ को लेकर के आज यहाँ पर हम लोग धरना प्रदर्शन रखे हैं कि शायद सरकार, ये अंधी सरकार को हम लोगों की बातें समझ में आ जाएं। तो आज हम लोगों का आशा का चयन कर दिया, भविष्य के बारे में वो क्यों नहीं सोच रहा है और कब तक नहीं सोचेगा, क्यों पीस रहा है उस चक्की में। हम लोग भी तो इंसान हैं, आशा वर्कर्स अगर नहीं रहेगी तो उसका स्वास्थ्य विभाग बंद हो जाएगा, उसके डॉक्टर सब जो 50,000-60,000 पेमेंट पाते हैं वो सब भी छुट्टी पर चले जाएंगे, उसका पूरा हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। जितनी भी योजनाएँ चलाता है, आज रूबेला का अभियान चल रहा है और रूबेला में कितना वो हम लोगों से दिन रात मेहनत करवा रहा है, लेकिन मात्र हमें 75 रुपये देता है। बताइए 75 रुपये की क्या कीमत होती है, क्या औकात होती है। उतना तो वो दिन भर में एक मजदूर 300-400 कमा लेता है, लेकिन हम लोग दिन भर में 75 रुपये हम लोगों को सरकार देती है। अगर इस बार हमारी सरकार ने हमारी मांगों को पूरी नहीं किया तो हम भारी तुलना में अपनी संख्या को ला करके यहाँ धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। मैं सब आशा वर्कर के नेतृत्व से मैं बात करना चाहती हूँ कि आज सरकार ने अगर हमारे लिए कुछ शासकीय कर्मचारी का दर्जा जरा अगर दिया, सब अब किमान वेतन श्रेणी भी लागू की, 10,000 तक क्या भी चालू किया, तो आज जो रोजगार में पड़ी है हमारे आशा वर्कर्स, तो आज उनको 10,000 पेमेंट मिल जाएगा तो वो कुछ तो घर खर्चा धका सकते हैं। अभी अपने महंगाई में वो अपना घर खर्चा नहीं चला सकती है, इसीलिए अगर आप, मैं अपने सरकार को अपील करती हूँ, अगर उन्होंने आशा वर्कर का कुछ सोचा, शासकीय कर्मचारी का दर्जा अगर दिया उन्होंने, तो अगले इलेक्शन में आशा वर्कर उनका उनके तो सरकार हम आशाओं को गुमराह करके कहा था कि 90 दिन का समय मांगा था, फिर 120 दिन का, सरकार झूठ पर झूठ बोलती जा रही है। हमको उनसे यही कहना है कि अगर उनकी सरकार आई और हम लोगों से झूठ पे झूठ बोलते रहे, हमको बस निश्चित मानदेय और राज्य कर्मचारी का दर्जा चाहिए, नहीं तो सरकार को आए दिन में मुंह तोड़ जवाब देंगे, सत्ता से गिरा देंगे हम आशा। Thank you.